प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बेटे लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा है कि हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ओके, दैट इज लेक्चर नंबर 9। चलिए स्टार्ट करें इसे, ध्यान से देखिए कभी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, वी कैन ऑल्सो से डॉट प्रोडक्ट है, ओके। सो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो तो आपको पता ही है। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हेयर इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए के ऊपर वेक्टर हमने नहीं लगाया क्योंकि जो मॉड ए आएगा दैट इज ए स्केलर, और एक स्केलर अगर आता है सो उसके ऊपर वेक्टर लगाने की हमें नीड नहीं है। वी कैन राइट हेयर ए स्क्वायर, ओके। सो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर मान लीजिए हमारे पास, अच्छा ये बेटे कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हमने कैसे लिखा। चलिए इसको भी जरा समझिए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो का, दो वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको हम लिखते हैं मॉड ए मॉड बी, और बी भी यहां मॉड ए ही है, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और ये दोनों पैरेलल मतलब सेम वेक्टर्स हैं तो एंगल तो जीरो ही होगा, सो कॉस जीरो वन होता है। सो यहां से मॉड ए स्क्वायर आया ये, और इसकी वैल्यू हमने लिख दी ए स्क्वायर। अब तो समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हम यहां बात करने जा रहे हैं कि अगर वेक्टर ए डॉट बी दिया है वो बी डॉट ए के क्या होगा, इक्वल होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए मीन्स दैट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है दैट विल बी कम्यूटेटिव इन नेचर, ओके। सो दैट इज द सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। हियर वी से दैट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए दैट इज इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक और पॉइंट आप लिख लीजिए कि इफ वेक्टर आई डॉट आई हमें करना है सो दैट विल बी मॉड आई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वन, जे कैप डॉट जे कैप दैट इज मॉड जे स्क्वायर एंड आपको पता ही दैट इज ए यूनिट वेक्टर सो इट्स मॉडुलस विल बी वन, के कैप डॉट के कैप एंड दैट इज मॉड के कैप स्क्वायर एंड इट विल बी वन। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इज अबाउट वेक्टर ए डॉट जीरो, वेक्टर ए डॉट जीरो, सो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो के साथ दैट विल बी जीरो, ओके। डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही आएगा ना, सो दैट विल बी जीरो, दैट इज नॉट अ वेक्टर दैट इज अ स्केलर, ओके। नेक्स्ट फोर नंबर प्रॉपर्टी, फोर नंबर प्रॉपर्टी इज वेक्टर ए डॉट बी, जिसको कि हम बोलते हैं कि आपका वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है भाई। सो यू कैन राइट इट मॉड ए कॉस थीटा इनटू मॉड बी, ये। सो मॉड ए कॉस थीटा, जिसको कि हम बोलेंगे ए कॉस थीटा इनटू बी, ये स्केलर, और ए कॉस थीटा बेटे क्या है, प्रोजेक्शन है ए का ऊपर, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। सो यहां लिख देता हूं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई कर रहा है दैट इज स्केलर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है जी। सो यहां से हमने वेक्टर ए डॉट बी, आपके सामने एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम b cos थीटा इंटू ए, ठीक है, b cos थीटा इंटू ए, और b cos थीटा इज व्हाट, b cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ, ये लास्ट टाइम कराया सब प्रोजेक्शन आपको है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, ठीक है, b cos थीटा है तो b का प्रोजेक्शन है a के ऊपर, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, a के साथ,
बातें समझ आ रही होंगी भी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इनटू मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डॉट मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ क्योंकि एक स्केलर है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई ही होता है बेटा, सो दैट इज वेक्टर ए डॉट बी। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट फाइव नंबर प्रॉपर्टी। फाइव नंबर प्रॉपर्टी इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सो मींस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां मैं लिख सकता हूं क्योंकि हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट सिक्स नंबर, बातें समझ आ रही होंगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एल इंटू वैक्टर ए डॉट एम इंटू, मतलब कोई भी एक स्केलर है, एल इंटू वैक्टर ए उसका डॉट है एम इंटू वैक्टर बी के साथ, सो ये आ जाएगा एल इंटू एम और फिर वैक्टर ए का डॉट हो जाएगा किसके साथ बेटे, बी के साथ। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। सो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये आपको विजिबल है जरा देखिएगा। गुड, सो ये आपको विजिबल है, आगे और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सेवन नंबर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट सेवन नंबर प्रॉपर्टी सेइंग दैट, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है वेक्टर ए डॉट बी, अगर वेक्टर ए डॉट बी है सेवन नंबर में और दैट इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। सो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो मतलब क्या है कि मॉड ए मॉड बी कॉस 90 ही जीरो होता है, सो कॉस 90 जीरो अगर होता है तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। सो दैट इज सेवन नंबर प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद में आगे मूव करते हैं और यहां से एक दो पॉइंट और मैं उठाने वाला हूं, यहां से देखिएगा। जैसे यहां अभी मैंने देखा था कि आई डॉट आई इक्वल टू वन, जे डॉट जे इक्वल टू वन, के डॉट के इक्वल टू वन, वो यहां से आया था फर्स्ट प्रॉपर्टी से। सेवन नंबर प्रॉपर्टी से ये आएगा कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जीरो, समझ आ गया होगा क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट वेक्टर ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट एट नंबर प्रॉपर्टी है, मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर, ये बेटे आएगा आपका वेक्टर ए मॉड ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मॉड होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये देखो, या फिर आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखिए, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है इसको जरा समझिए, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कर रहे हैं और होल स्क्वायर कैसे ओपन हो रहा है इसको समझिएगा बेटे, है ना। मींस दैट मींस कि सिंपली दैट इज हियर वेक्टर ए प्लस बी इनटू डॉट है वेक्टर ए प्लस बी, मतलब होल स्क्वायर का मतलब इसका इसके साथ डॉट हो रहा है, यानी कि ए जाके इसके साथ करेगा तो ऑब्वियसली मॉड ए स्क्वायर आएगा, फिर ए जाके इसके साथ करेगा तो वेक्टर ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए, देन प्लस मॉड बी स्क्वायर, ओके, सो दैट इज मॉड ए स्क्वायर प्लस, इसको लिखो साथ में मॉड बी स्क्वायर प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो यहां से हमने ये यहां प्रूफ कर दिया आपके सामने, देखिएगा बेटा, है ना, ये दिखाई दे रहा है मॉड बी स्क्वायर, ओके, विजिबल है, गुड। सो इस तरीके से ये आपने एट नंबर प्रॉपर्टी क्या कर ली, और आफ्टर दिस नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको अभी मैंने कराई है, जिनके प्रूफ्स आपने करने हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी और है, तो उनके प्रूफ मैं अभी आपको इसके बाद करा देता हूं। नेक्स्ट नाइन नंबर प्रॉपर्टी, नाइन नंबर प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर वेक्टर ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर ए माइनस बी के साथ, तो यहां क्या आने वाला है, दैट विल बी वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी
व्हाट आर यू गेटिंग हियर? यू आर गेटिंग फार्मूला जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, दैट इज मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि ये आएगा वेक्टर ए डॉट बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल लेफ्ट आउट, ओके, ये ही बचेगा, दैट इज मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद में हम इसको इरेज करते हैं, नाइन प्रॉपर्टीज हो गई है, टेन नंबर ये यही समझा देता हूं, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है कुछ और वेक्टर बी भी कुछ दिया हुआ है और हमें वेक्टर ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, वैसे तो ऑलरेडी मैंने ये कराया हुआ है, ठीक है जी, चलिए देखिएगा और हम कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, दैट इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप हियर, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, यू हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मीन्स ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, सो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, ओके, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए बेटे इसको मैं रेज कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। You have to find the angle between them. That is the next property. That is also a property. Vector A dot B. We all know that vector A and B are non-zero. Then the angle between them is given by. देखें, we all know that vector A dot vector B is equal to mod of vector A, mod of vector B, cos theta. Okay. So can you tell me what is cos theta here? You are getting that will be in multiply, that will came in denominator, and you are getting here vector a dot b upon mod a mod b is equal to cos theta. Okay, so that is the next property, that is the 10th number property, that is angle between them is given by this formula, cos theta equal to this. आपको पता है भाई cos theta यहां से निकालेंगे भाई, है ना, सो इसके बाद देन हम मूव करते हैं भाई, जो हमने 10 प्रॉपर्टीज इनफ है, मुझे नहीं लगता होगा प्रॉपर्टी वैसी है इसमें स्केलर डॉट प्रोडक्ट में, सो एक दो और पॉइंट मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, और एक मैं प्रूफ कराने वाला हूँ आपको, है ना, मैं इसको रेज कर देता हूँ पहले और फिर एक प्रूफ है काफी अच्छा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराई थी उसका प्रूफ कराता हूँ आपको, देखिए सी है बेटे, वी आर गोइंग टू प्रूव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और मैंने ये प्रॉपर्टी नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस नंबर लिखवाया था मैंने इसको लास्ट, आई थिंक 4th 5th में था ये, है ना, सो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को 5 नंबर में प्रॉपर्टी की तरह ही होगी आपको, हाँ, सो वेक्टर बी दैट इज वेक्टर ए है, दैट इज वेक्टर बी है एंड दैट इज वेक्टर सी, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस वन? देखिए बेटे इसका टेल हेड और इसको टेल हेड से ज्वाइन किया, दैट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आ जाएगा, कोई गलत लिख रहा है क्या? दैट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस वन, सो टेल हेड और इसके टेल और हेड यानी रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर बी प्लस सी, ऐसे होता है, सो वेक्टर बी प्लस सी हमारा यहां से फाइंड आउट किया हमने, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं लेट कर लेता हूं इन सबको जो हमने अभी किया प्रूफ करने जा रहा हूं मैं, लेट ओए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए, ओके, एंड ओबी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड ओसी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी, आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, ये आपने कर लिया, सो व्हाट इज ओसी, सॉरी बीसी वेक्टर इज वेक्टर सी, सॉरी बीसी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी, हाँ, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज ओसी वेक्टर? ओसी वेक्टर इज द सम ऑफ, ओसी वेक्टर इज दिस वन, इज द सम ऑफ ओबी प्लस बीसी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके, फ्रॉम बी, अगर हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये बी एम, ओके, याद लिख देता हूं, फ्रॉम बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए वेक्टर, सो दैट परपेंडिकुलर विल बी बी एम, ओके, बी एम इज द परपेंडिकुलर,
सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, और फ्रॉम सी से भी आप ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर एक और ले लेते हैं, सी से भी ड्रॉ कर दिया एंड दैट इज सी एन, ओके, एंड ड्रॉ फ्रॉम सी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए वेक्टर, ठीक है, सो दैट इज सी एन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब बेटे हम आगे मूव करेंगे, यहां वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है, वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में जरा ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, इसको मैं क्या करने वाला हूं जरा ध्यान से देखना है, है ना, ये लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, ओके लेफ्ट हैंड साइड, सो वेक्टर ए का बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट किसका है, ओ ए एंड ओ सी का, ओके, सो दैट इज वेक्टर ओ ए डॉट प्रोडक्ट विद ओ सी वेक्टर, ठीक है, ओ ए का डॉट ओ सी के साथ हो रहा है, आपने अभी पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, मॉड ओ ए यानी कि ओ ए ओ सी कॉस थीटा, ओ ए ओ सी कॉस थीटा, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, थीटा इज व्हाट, ओ ए और ओ सी के बीच का एंगल, ओ ए दिस वन एंड ओ सी दिस वन, दैट इज एंगल बिटवीन देम, दैट इज थीटा है, दैट इज एंगल सी ओ एन, जो मर्जी बोल लो एंगल सी ओ एन बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एंगल सी ओ एन, ओके, सो ओ ए ओ सी कॉस थीटा, ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज ओ सी कॉस थीटा, ये ओ सी है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है इसके ऊपर, सो ये आप जो देख रहे हो ओ एन इज ओ सी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ऑन वेक्टर ओ ए, ये आपको पता है, सो दैट इज ओ एन इज ओ सी कॉस थीटा, सो इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो ओ ए इंटू ओ एन, मेरी बात समझ आ गई होगी, सो ये आपने ओ ए इंटू ओ एन यहां लिख दिया। अब बेटे एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कैन यू टेल मी व्हाट इज ओ एन वेक्टर, दिस वन ओ एन इज ओ एम प्लस एम एन, ओके आई एम राइटिंग हियर ओ ए एंड इन प्लेस ऑफ ओ एन आई एम राइटिंग ओ एम प्लस एम एन, ओ ए मल्टीप्लाई विद ओ एम प्लस ओ एन, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, इसको मल्टीप्लाई करिए बेटे इसके साथ, तो आ जाएगा ओ ए इंटू ओ एम प्लस, देखो बेटे दोनों ही स्केलर है तो मल्टीप्लाई आप ऑब्वियसली ऐसे ही कर सकते हो, एम एन मतलब डॉट लगाने की नीड नहीं है, ओ ए इंटू ओ एम प्लस ओ ए इंटू एम एन, और आपको यहां से बात समझ आ गई होगी कि क्या है और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, सो यहां मैं वेक्टर लगा सकता हूं, ये स्केलर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वेक्टर का डॉट वेक्टर ओ ए डॉट ओ एम प्लस वेक्टर ओ ए डॉट एम एन, ये बेटे यहां से हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, सो आप देख सकते हो ओ ए वेक्टर क्या था हमारा, वेक्टर ए था, है ना, ओ एम वेक्टर क्या है, ओ एम की जगह हम ओ बी भी लिख सकते हैं, ओ एम ये आपका ओ एम है, एक मिनट शेयर टू लिया क्या, ओ ए इंटू ओ एम प्लस सॉरी ओ ए इंटू एक मिनट हाँ सॉरी ओ ए इंटू ओ एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इंटू ओ एम की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर डॉट ओ बी वैक्टर, क्योंकि ओ एम हमने इसकी जगह पुट किया था, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हुई, और प्लस ओ ए डॉट एम एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम एन इज वॉट एम एन इज दिस वन, है ना, सो ओ ए डॉट ओ सी वैक्टर, हाँ जी ठीक है, सो बस हो गया भाई वैक्टर ओ ए डॉट ओ बी एंड ये आपका एम एन, एम एन इज दिस वन और ये किसके इक्वल होगा, सॉरी बी सी, बी सी के इक्वल होगा, बी सी के साथ डॉट, सो यहां से हमने ये राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ कर दिया, देख सकते हो इसको वैक्टर ए डॉट बी प्लस वैक्टर ए डॉट सी, ठीक है जी, अब तो कोई डाउट नहीं होता भाई, है ना, सो यहां से ओ ए इंटू ओ एम, ओ ए इंटू ओ एम प्लस ओ ए इंटू एम एन को हमने प्रूफ कर दिया, ओ ए डॉट ओ बी प्लस ओ ए डॉट बी सी, और ओ ए वैक्टर जो है दैट इज वैक्टर ए, ये आपका वैक्टर बी है और ये भी वैक्टर ए है, बी सी इज वॉट, बी सी वैक्टर इज वॉट, बी सी दिस वन, बी सी वैक्टर सी, सो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है जी, चलिए अभी भी किसी के मन में शंका है तो आप डाउट पूछ सकते हो, बट यहां मैंने सब पॉइंट एक एक पॉइंट यहां क्लियर करके बताया आपको, मेरे हिसाब से कोई डाउट बनता नहीं है,
बस लास्ट वाला जो स्टेप था इसमें थोड़ा सा जैसे हमसे मिस्टेक हो रही थी, यहां आप गलती कर सकते हो, बाकी सब सही है। ठीक है, OA into OM जो है इसका आप लिख सकते हो वेक्टर OA डॉट OB, इसको जरा ध्यान रखिएगा भाई कैसे लिख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ये आएगा वेक्टर OA और मॉड OA, फिर आएगा मॉड OB cos थीटा, यही आएगा ना, और OB cos थीटा को आप जानते ही हो, OB cos थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, OM लिख सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही होगी, और OB cos थीटा की जगह OM लिख सकते हैं, इसलिए यहां हमने ये OM की जगह ये लिख दिया, मेरी बात समझो, और MN की जगह भी हमने ऐसे किया जैसे ये MN है और MN यानी कि किसका कौन सा परपेंडिकुलर गिर रहा है इसके ऊपर, ये वाला OC, OC परपेंडिकुलर गिर रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया और बस ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर वन इज दैट वन इज 3i माइनस 2j प्लस 2j माइनस 6k, ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम, सो दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b, ओके, सो यू हैव टू फाइंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ओके, फर्स्टली आई एम राइटिंग हियर वेक्टर a That is 3i plus 2j minus 6k and dot product with vector b that is 4i minus 3j plus k and in upon that is mod a, mod a is 3 square 9 plus 2 square 4 plus 6 square 36 and here mod b 4 square is 16 plus minus 3 square 9 plus 1 square 1, okay, so what are you getting here, dot product 3 4s are 12 here, then 2 3 are 6 minus 6 and minus 6 plus 1 that is minus 6 in denominator that is under roots 36 plus 4 40 and under root 49 that is 7 into under root 16 plus 1 17 17 plus 9 17 plus 9, are you getting this, okay, so that is under root 21, okay, that will be here and 12 minus 6 minus 6 and जब ऊपर numerator में 0 आ गया तो denominator से हमें क्या लेना देना है भाई, जब ऊपर 0 आ गया इसका मतलब cos theta is equal to 0, cos theta will be 0 when angle between the vectors will be 90 degree and cos cos are cancel out, you are getting theta equal to 90 degree, that means the vectors are perpendicular to each other, okay, next question, find the angle between vector a and vector b, that is next question, you have to find cos theta here, cos theta equal to vector a dot vector b upon mod a mod b, okay, so vector a dot b that is 2i plus 2j minus k cap and dot product with 6i minus 3j plus 2k cap, in denominator you are finding the modulus of a, that is 2 square plus 2 square plus 1, that will be 9. But I am writing a step here, okay. And under root 6 square plus 3 square plus 2 square minus 3 square, that will be 3 square, okay. Because that will not be negative, that will came in positive sign, okay. So dot product 2 into 6, 12. 2 into 3. बेटे मैंने सिखाया है कि मैं डॉट प्रोडक्ट इसी का इसके साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आई का जब जे के साथ होगा 0 होगा, आई का जब के साथ होगा 0 होगा, तो उसको लिखने नीड नहीं है, यानी डॉट से इन दोनों का होगा 2 into 6, 2 into 3, minus 1 into plus 2, that is minus 2, upon under root 9, okay, under root 9, and here under root 36 plus 4, 40, 40 plus 49, and what are you getting here, 12 minus 6, 6 minus 2, 4, 4 upon 3 into 7, और ये यहां से आ जाएगा आपका 4 upon 21, so what are you getting here, यहां से हमारा cos theta क्या आ गया 4 upon 21, यानी कि theta equal to cos inverse 4 upon 21, so that is our answer, theta equal to cos inverse 4 upon 21, next question, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन उठाता हूं मैं इसके बाद, प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन हैं, मैं पहले लिख लेता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस,
फर्स्टली हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं, देन वी हैव टू मूव ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. दैट इज वेक्टर ए, मान लीजिए दैट इज वेक्टर ए हियर, दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, एंड प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर बी हियर, दैट इज फोर आई माइनस फोर जे प्लस सेवन के, और यू आर गेटिंग हियर दैट ब्लैक लाइन इज द प्रोजेक्शन. ओके, आर यू गेटिंग दिस? मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, एंड यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू दैट एंगल बिटवीन देम, दैट इज थीटा, एंड दैट विल बी मॉड ए कॉस थीटा. ओके, सो मॉड ए कॉस थीटा. ओके, व्हाट इज मॉड ए हियर? मॉडुलस इज अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस वन, सो दैट विल बी अंडर रूट सिक्स. एंड कॉस थीटा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस थीटा हियर? कॉस थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट, एंड अपॉन वी ऑल नो दैट दैट इज वन इंटू फोर माइनस टू इंटू माइनस फोर, दैट इज प्लस एट, सेवन इंटू वन दैट इज सेवन हेयर, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट मतलब मॉड ए, मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज वन फोर प्लस वन, वन प्लस फोर प्लस वन, एंड हेयर फोर प्लस फोर फोर सिक्सटीन प्लस स्क्वायर ऑफ दिस सिक्सटीन एंड स्क्वायर ऑफ सेवन दैट इज फोर्टी नाइन, एंड ओके ठीक है जी. प्रोजेक्शन पर एक स्केलर ही होगा, एक स्केलर आएगा है ना, सो दैट इज आपका ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी हेयर सेवन प्लस फोर इलेवन प्लस एट, एंड दैट इज नाइनटीन अपॉन अंडर रूट थर्टी सिक्स थर्टी टू प्लस फोर्टी नाइन, एंड दैट इज इक्वल टू नाइनटीन अपॉन नाइन प्लस टू इलेवन, वन कैरी फोर एंड फोर एट अंडर रूट एटी वन, दैट विल बी नाइन, सो यू आर गेटिंग नाइनटीन अपॉन नाइन. ओके, 19 अपॉन 9. देखिए बेटे, ये तो आपने अभी फाइंड आउट किया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. ही इज आस्किंग फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. सो आपने प्रोजेक्शन तो अभी फाइंड आउट किया, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये अभी आपका दैट इज 19 अपॉन 9. बट ही इज आस्किंग व्हाट? ही इज आस्किंग यू हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यानी कि ये दैट इज वेक्टर ए है और दैट इज वेक्टर बी. ही इज आस्किंग टेल मी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. ओके, सो बहुत ही सिंपल है भाई, प्रोजेक्शन अगर हमारे पास आ गया है सो प्रोजेक्शन को ही हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए बेटे, 19 अपॉन 9 जो अभी आपने निकाला दैट इज प्रोजेक्शन, ये आपकी यहां से यहां तक की लेंथ आ गई है, हिसाब से आप ये समझ लो मैग्नीट्यूड आ गया है ना, ये 19 अपॉन 9, और वो कह रहा है कि इसी के अलोंग एक कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट इसके अलोंग चाहिए, तो भाई मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, तो एक डायरेक्शन का काम करने के लिए कौन है हमारे पास? बी कैप, बस ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, बस आगे वेक्टर है, ठीक है. सो ये आ जाएगा 19 अपॉन 9, बी कैप इज व्हाट? वेक्टर बी इज 4i माइनस 4j प्लस 7k, एंड इन डिनोमिनेटर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर, एंड यू आर गेटिंग हेयर 19 अपॉन 9 इंटू 4i माइनस 4j प्लस 7k, इन डिनोमिनेटर यू आर गेटिंग अंडर 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 49 9 to 11 and carry 61, so under root 61, so that is the component of vector A along vector B. कोई mistake तो नहीं है, जरा check कर लीजिएगा बेटे इसे, देखिएगा जरा, मुझे लग रहा है कि mistake हुई है. 16 plus 16 32 plus sorry 81 under root 81, so that is under root 81, that will be 9 here. Okay, so 9 into 9 18 81, so that is 19 into 4i minus 4j plus 7k cap in denominator, that is 81. So that is our answer. Next, now we have to move on next question, that is question number 3. Okay, so that is the projection questions. और ये आपको समझ आ रहे होंगे भाई, चलिए.
बेटे ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कई बार आ जाता है, बट है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार माइंड में नहीं आता है मैं इसमें मुझे करना क्या है ना, ये कई बार बच्चों को माइंड में नहीं आता। सिंस हम सभी को पता है कि कह रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस बी का होल मॉड जो है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी मॉडुलस के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है दोनों, है ना। सो सिंस ये हम लिख देता हूं, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल मॉड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल मॉड, ओके दैट इज गिवन हियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग करने से हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि जो भी हमें यह गिवन है आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर ए प्लस बी का होल मॉड का स्क्वायर, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, भी बड़ा सिंपल सा है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट ए आएगा, व्हाट इज दिस, आर गेटिंग दिस, ठीक है, थोड़ा इंक ये निकला है, कोई नहीं मैं देखता हूं उसको। चलिए वेक्टर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इधर भी इस साइड भी ऐसे ही होगा, क्या जाएगा वेक्टर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट बी, है ना। चल सो यहां से आ जाएगा आपका ये मॉड ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मॉड बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर बुला लो, जाएगा फोर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, इट मींस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ओके। सो यहां से हमने प्रूव कर दिया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये आपको समझ आ गया होगा पॉइंट, बहुत इजी है, नेक्स्ट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5, ये वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, तो जो बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूं, इसने बोला कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट मींस वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, कुछ गलत बोला मैंने, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट मींस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर, है ना, वन नहीं, वन ना लिख देना इसको, मैग्नीट्यूड इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि वन है, यूनिट वेक्टर है, है ना, नहीं इक्वल मैग्नीट्यूड शोर है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर है बी प्लस, एक मिनट मुझे देखना होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट, हाँ ठीक है, दैट इज नंबर वन इक्वेशन, ओके। जो हमें प्रूफ करना है हम उसकी तरह बढ़ते हैं, और प्रूफ हमें यह करना है कि ये जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी के साथ में, है ना, ये इक्वेशन नंबर वन है हमारी, और दैट इज इक्वेशन नंबर टू, ओके, और इक्वली इंक्लाइंड टू दिस, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सब सही है ना, ओके हाँ जी देखिए। सो सबसे पहले मैं आई एम डूइंग हियर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होल मॉड स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल मॉड स्क्वायर, व्हाट आर यू गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग ए प्लस बी प्लस सी एंड डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है जी, ये आ जाएगा मॉड स्क्वायर प्लस, हाँ जी, फिर इसका जब होगा डॉट इसके साथ तो मॉड बी स्क्वायर, फिर जब इसका होगा मॉड सी स्क्वायर, है ना, और प्लस जब वेक्टर ए बी के साथ करेगा और फिर बी ए के साथ करेगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज टू वेक्टर ए डॉट, बेटे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आप लोग करके देख लेना वन बाई वन इसको, प्लस टू वैक्टर बी डॉट सी प्लस टू वैक्टर सी डॉट वैक्टर ए। सो इस तरीके से आपने यहाँ वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल मॉड का स्क्वायर निकाला और वो ये हमारे पास आ गया। अब बेटे हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए हमें यह पता है कि वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी और वेक्टर सी डॉट ए ये सभी क्या है जीरो है, तो ये इसकी तो कहानी खत्म हो जाती है, ये तो साइड ही कर दो, है ना, तो यहां से आ गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर
प्लस मॉड सी स्क्वायर, वो तो जीरो ही हो गया, यानी कि ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। ठीक है जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला गया है कि ये सभी मॉडुलस जो है वो इक्वल है। मैंने यहां ये सेकंड नंबर भी लिखा, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। सो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर दे आर इक्वल, तो इन दोनों की जगह भी मॉड ए स्क्वायर अगर मैं लिख दूंगा सो दैट इज थ्री मॉड ए स्क्वायर। ओके, और ये ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस होल स्क्वायर, ये यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर उधर भेज देंगे तो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल मॉड, ये उधर चला गया, ये स्क्वायर हट जाएगा यहां से और ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री मॉड ए। ठीक है जी, अंडर रूट थ्री मॉड ए, दैट इज नंबर थ्री, इसको नंबर थ्री बना, दिख रहा है भाई। चलिए हम आगे मूव करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी का जो मॉड है वो डॉट है वो ए के साथ में है, हाँ जी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और यहां उसने बोला कि इतनी इंक्लाइंड है, देखिए बेटे इंक्लिनेशन तो तभी पता लगेगा, ये तो बेटे हटा देता हूं मैं क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया था, इसको मैंने हटा दिया। और जो इंक्लाइनेशन की वो बात कर रहा था वो किसके साथ बात कर रहा है, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, तो इसका मैं डॉट ही करा देता हूं, किसके साथ, ए के साथ, मुकाबला इसके साथ करा देते हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी आएगा यहां वो लिख दीजिए क्योंकि ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी होल मॉड, फिर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, ज्वेल दिख रहे क्या, डॉट प्रोडक्ट तो यही आएगा जी, है ना, और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करिए देखिए क्या आता है भैया, और यहां जो भी आएगा उसको लिख लेंगे हम इजिली, यहां से सॉल्व करेंगे इसे, देखिए क्या आता है, ये आएगा इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी कि मॉड ए स्क्वायर प्लस इसका ए और बी का जब डॉट होगा आपको पता ही है क्या होगा, जीरो होगा, ए का सी के साथ जो होगा वो भी जीरो होगा, तो ये जीरो स्क्वायर जीरो स्क्वायर जो भी आए जीरो आएगा, और इस साइड आ जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल मॉड, फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, ये आ गया यानी कि मॉड ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा, और फिर यहां से हम मॉड ए को कैंसिल कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा आपका मॉड ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होल मॉड कॉस थीटा। बेटे ये आपने फाइंड आउट किया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल मॉड, ये क्या आया था आपका, क्या था अंडर रूट थ्री मॉड ए, अंडर रूट थ्री मॉड ए, इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, देखिएगा ये आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट थ्री मॉड ए, मॉड ए और मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, वनजा मॉड ए वनजा है ना कैंसिल हो गया, कॉस थीटा यहां से आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री, कॉस थीटा आ गया वन अपॉन अंडर रूट थ्री, और जैसे ही आपने कॉस थीटा फाइंड आउट किया यानी कि ये कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री, और यू हैव टू फाइंड आफ्टर दिस नेक्स्ट एंगल और फिर हम बात करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में तो हमें पता लग गया भी एंगल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहला जो एंगल है वो मान लो थीटा वन है वो वन बाय रूट थ्री आ रहा है, ऐसे ही हम इसका डॉट करेंगे बी के साथ तो वहां से भी ऐसे दिखाएंगे, देखिए हम डॉट करेंगे बी के साथ यह आ जाएगा मॉड बी, ओके फिर कॉस थीटा यह आ जाएगा आपका बी डॉट बी और बी डॉट सी ए डॉट बी और फिर आएगा बी डॉट बी, ओके आर यू गेटिंग दिस, बी डॉट ए तो जीरो होगा, बी डॉट बी का स्क्वायर होगा यहां आ जाएगा बी डॉट ये स्क्वायर, और फिर इधर भी वही कहानी होगी मॉड बी कॉस थीटा है ना, और फिर ये बी और ये कैंसिल हो जाएंगे एक और आ जाएगा, यहां देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है यह आ जाएगा आपका दैट इज हियर मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल मॉड कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आपने अंडर रूट थ्री निकाली थी, अरे भाई पता है ना ये है ना, सो ये फिर वही डिनोमिनेटर में चला जाएगा कॉस थीटा टू, कुछ गड़बड़ी है एक मिनट मुझे चेक कर दे दो भाई, सही है ना सर, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी अंडर रूट थ्री मॉड बी आएगी ना, अंडर रूट थ्री मॉड बी है ना, हाँ ठीक तो है सही, सो यहां से इस बार जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट थ्री बी, और कॉस थीटा टू जो आ जाएगा वो कैंसिल होने के बाद कॉस थीटा टू आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री, सो यहां भी एंगल क्या आ गया सेम आ गया, यानी कॉस थीटा टू भी क्या आ गया वन अपॉन अंडर रूट थ्री,
ऐसे सी के साथ करेंगे और ऐसे ही आपको ये पता लगता जाएगा कि इनकी वैल्यू अलग अलग क्या आ रही है, और इसका मतलब है कि सभी एंगल्स क्या है सेम है, यानी कि cos थीटा 2 भी क्या जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, cos थीटा 3 भी क्या जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, दैट मींस व्हाट एंगल्स आर इक्वल, मींस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, ये सभी एंगल्स आपके क्या आ गए सेम आ गए बेटे, और ये हम आगे मूव करेंगे, ठीक है जी। चलिए देख लिए, कोई डाउट बनता है या तो फिर मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है बेटे। वो कुछ नहीं है, मॉड बी स्क्वायर आया, और ये देखिएगा मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ये कैंसिल होने के बाद, ये हट गया यहां से, तो मॉड बी इज इक्वल टू आया वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी कॉस थीटा 2। इस बार एंगल किन के बीच में, बी और ए प्लस बी प्लस सी के साथ में, ये वैल्यू जो है वो आएगी रूट मॉड रूट थ्री मॉड बी, ये आएगी ना इस बार, ये आने वाली है वैल्यू, जैसे यहां से रूट थ्री ए निकाला ना आपने, वहां क्या आ जाएगा रूट थ्री बी आ जाएगा, है ना, और फिर यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इस बार जो भी आप करोगे सॉल्व ऐसे, जैसे यहां डॉट किया इसका स्क्वायर किया और यहां से रूट थ्री आया, वहां रूट थ्री भी लिखोगे आप, है ना, और फिर वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वो वैल्यू आ जाएगी 1/√3, ठीक है। चलिए, और इसका मतलब क्या है कि थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 तीनों ही क्या है इक्वल है, ओके। चलिए आगे बढ़े भाई नेक्स्ट, और इसके बाद में हम आगे मूव करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यहां जैसे यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबकी जगह आपने ए स्क्वायर रखा था, इस बार बी स्क्वायर रख दो, फिर सी स्क्वायर रख दो, फिर वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 बी आ जाएगा, अंडर रूट 3 सी आ जाएगा, वो कैंसिल हो गए, कॉस थीटा 2 ये आ जाएगा, कॉस थीटा 3 आ जाएगा, आप बात समझा गई होगी आपको, है ना। इसका मतलब क्या है कि थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 ये तीनों ही क्या है इक्वल है, और ये हमने प्रूफ कर लिया नेक्स्ट, ठीक है जी। क्या तो बातें समझा गई होंगी, काफी अच्छे क्वेश्चंस कराए मैंने, ठीक है। देखिए बेटे ये 2 मिनट में मैं करा दूंगा, वैसे आप खुद से कोशिश करिए। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, अब आप यहाँ कहोगे सर ये टू मतलब रिलेशन टाइप दे दिया, तो फिर आपसे पी और क्यू के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो जब तक पी और क्यू नहीं आएंगे आप एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, मेरी बात ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि पी और क्यू फाइंड आउट करने, सो यहाँ से 2p + q इक्वल टू क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2p वेक्टर प्लस 4q इक्वल टू 2i - 2j, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा -3q वेक्टर इक्वल टू -i, और ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 3j, और यहां से क्यू कैप की वैल्यू क्यू वेक्टर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3i और -j, ये क्यू वेक्टर आ गया। ऐसे ही आपने पी वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है, और क्यू वेक्टर की वैल्यू उठा के पी में किसी में पुट कर दो, ये आ जाएगा 2p प्लस 1/3i - j इक्वल टू i + j, और 2p वेक्टर यहां से आ जाएगा हमारा, इसको साइड भेज दो, i + j - 1/3i + j, जे कैप और जे कैप बेटे ऐड हो जाएंगे, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2/3i + 2j, सो फिर भी 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, दैट विल बी वेक्टर p इक्वल टू डिवाइड में भेज दो, ये आ जाएगा 1/3i + j, That is vector p, और vector q आपने find out किया ही था बेटे, that is 1/3i - j, और अब इन दोनों का dot कर दीजिए, vector p dot vector q, देखिए भाई यहाँ से आ रहा है 1/3 - 1, ये आ जाएगा बच्चे -2/3, यानी कि vector p dot vector q, और यहाँ से mod p और mod q भी हमारे find out हो जाएंगे, that is 1/3 का whole square 1/9 + 1, mod q भी यही आ जाएगा अंडर रूट 1/9 + 1, और फिर यहां से हमारा cos थीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी वेक्टर p डॉट वेक्टर q अपॉन मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q, और वेक्टर p डॉट q अभी आपने फाइंड आउट किया, दैट इज -2/3, और डिनोमिनेटर में भी आपने जो निकाला ये आ जाएगा 9 + 1 = 10, अंडर रूट 10/9, और फिर अंडर रूट 10/9, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -2/3 / 10/9, 3 3s are 9 और 2 5s, है ना। सो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होके जो भी आ रहा है देख लीजिएगा, और cos थीटा आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया, और 4/5 आ रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहने दो उसे, है ना, -4/5 और नेगेटिव ही रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -4/5, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। ओके बेटे थैंक यू, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है।